हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए, अपन ने लास्ट लेक्चर में 450 तक क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 451। ये आपसे क्या कहता है, द स्लैग विच प्लॉट ऑन द सरफेस ऑफ द मोल्टन आयरन जनरली कंटेन। देखो, जब अपन पिग आयरन बढ़ा रहे थे, अपन जब अपन ने आयरन ओर्स को लिया, कोयले को लिया, और अपन ने जो है लाइमस्टोन को डाला था, किसमें, ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस में जब इन तीनों को डाला था अपन ने, तो क्या हुआ था कि जो पिग आयरन था वो तो नीचे बैठ गया था, ऊपर स्लैग बची थी, ऊपर अशुद्धियां बची थी जो स्लैग कहलाती थी। तो ये कहता है कि जो स्लैग थी उसमें किस किस का कंपोजिशन था। लाइम सबसे ज्यादा था, पहले जो स्लैग बची थी जिसका बाद में स्लैग सीमेंट बनाने के लिए उपयोग लाते हैं, तो स्लैग 45% होती है, सिलिका 35% होती है, और एल्यूमिना 12% होता है। तीनों कंपोजिशन बनता है, इसलिए यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो स्लैग था उसका कंपोजिशन ही ये था कि उसमें लाइम जो है 45%, सिलिका 35% और एल्यूमिना जो है 12%। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है, तो इसलिए आपको यहां देखेंगे 451 में आपका डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 452। इफ द आयरन ओर्स कंटेंट क्ले एंड इम्प्योरिटी। ये कह रहा है कि यदि आयरन ओर्स में क्ले, जो क्ले होती है चिकनी, ये इम्प्योरिटी के रूप में, द फ्लक्स एडिंग ड्यूरिंग कैल्सिनेशन। तो ये कह रहा है कि कौन सा फ्लक्स मेरे को ऐड करना पड़े। क्ले क्या होता है, जो ये जो क्ले कंपोनेंट होगा, ये इसको जल्दी से क्या नहीं होने देता है, कैल्सिनेशन नहीं होने देता है। इसलिए उसका प्रॉपर मतलब कम टेम्परेचर पर उसको बर्न करने के लिए अपन को लाइम स्टोन जो है उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा फ्लक्स के रूप में। तो यहाँ 452 में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए में बोलता है किले, किले तो ऑटोमेटिकली किले तो ज्यादा है ही, तो बी लाइम स्टोन, लाइम के जो है सी आर्जिलिसिस, आर्जिलिसिस तो किले कंपोनेंट है, ऑल ऑफ दी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाइम स्टोन आपको जो है एड करना पड़ेगा फ्लक्स के रूप में, ताकि से कम टेम्परेचर पर वो कैल्सिनेशन कर सके उसका। तो 452 बी हो गया था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 453। क्या कहता है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है अप्रोक्सीमेटली। ये कह रहा है जो ब्लास्ट फर्नेस में जो स्लैग थी वो क्या रखती है, तो अभी बताया था 45% लाइम और सिलिका 35%। तो 45% लाइम को क्या बोल सकते हैं, लाइम को कैल्शियम CaO बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, 45% कैल्शियम ऑक्साइड, और 35% क्या हो जाएगी, सिलिका आपकी हो जाएगी। यहाँ 453 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भी आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने देखा कि ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 454। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको कंसिडर करो। सॉफ्ट वेराइटी ऑफ पिग आयरन आर ऑल्सो नोन एज। ये कह रहा है जो सॉफ्ट वेराइटी का पिग आयरन है, इसे और किस नाम से जाना जाता है। ये कहता है किस नाम जाना जाएगा, फाउंड्री पिग आयरन, बिल्कुल सॉफ्ट वेराइटी वाले को फाउंड्री बोलते हैं। फिर ग्रे, अब फाउंड्री को ग्रे भी बोलते हैं, क्योंकि चाहे फाउंड्री बोल लो, फाउंड्री पिग आयरन बोल लो या ग्रे पिग आयरन बोल लो, दोनों एक ही नाम के हैं। और ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट वैरायटी का होता है ये, इसकी वैरायटी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। तो एक तरह से ना सॉफ्ट वैरायटी को किस नाम से जानते हैं, तो अगर आप फाउंड्री और फाउंड्री ग्रे दोनों कॉमन एक ही नाम है, एक ही आयरन के नाम है, इसलिए मैं कहूंगा कि फाउंड्री और ग्रे पिग आयरन, मतलब ए और बी आपका यहाँ एक, वन और टू सही है आपका। तो वन और टू किस में दे रखा है आपका, सी में दे रखा है, तो वन एंड टू आर करेक्ट, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 454 में सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 455। पिग आयरन मेड फ्रॉम हेमेटाइट ओर्स, फ्री फ्रॉम सल्फर, फास्फोरस एंड कॉपर इग्नोर। ये कह रहा है ऐसा पिग आयरन जो किससे बना है, हेमेटाइट आयरन ओर्स से बना है, जो हेमेटाइट अयस्क से बना है, और जिसमें सल्फर, फास्फोरस और कॉपर की मात्रा
नहीं रहती है। तो आप थ्योरी में देखेंगे कि ऐसा पिग आयरन जो हेमेटाइट है उससे बनाया जाता है जिसमें सल्फर और इनकी मात्रा नहीं रहती है। क्या कहलाता है? बेसेमर पिग आयरन कहलाता है, क्योंकि बेसेमर हो गया, फाउंड्री वाला हो गया, मोल्टेड हो गया, ये भी चार वेराइटी के होते हैं ना आपके, है ना, व्हाइट मोर फोर्जे मोर व्हाइट मोर जाए। तो वो कह रहा है कि ऐसा आयरन जो हेमेटाइट है उससे बनाया जाता है जिसमें सल्फर फॉस्फोरस और कॉपर की मात्रा नहीं रहती है, कौन सा कहलाता है? बेसेमर पिग आयरन कहलाता है। तो 455 में ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 455 का ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 456। पिग आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्नेस विद प्रॉपरली प्रोवाइडेड विद फ्यूल एट वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉन। ये कह रहा है पिग आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्नेस, ये कह रहा है पिग आयरन में फर्नेस से प्राप्त करता, मतलब जो फर्नेस भट्टी थी, और प्रॉपरली प्रोवाइडेड फ्यूल मतलब खूब फ्यूल था उसको जलाने के लिए, उसको बर्न करने के लिए फ्यूल की मात्रा सफिशियंट थी, और वेरी हाई टेम्परेचर पर मैंने उसको बर्न किया है। तो ये कौन सा कहलाता है? ग्रे या फाउंड्री पिग आयरन कहलाता है, या सॉफ्ट वेराइटी का पिग आयरन कहलाता है। थ्योरी में बताया था कि इसे प्राप्त करने के लिए हाई टेम्परेचर, बुक में देखेंगे कि भैया हाई टेम्परेचर पर बर्न करते और सफिशियंट मात्रा आपकी रहती है वो कौन सा कहलाता है? ग्रे या क्या है, फाउंड्री पिग आयरन कहलाता है, या सॉफ्ट वेराइटी का पिग आयरन कहलाता है। 456 में बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखे अब 457 जस्ट उल्टा है, फ्यूल कम होगा लो टेम्परेचर पर बर्न करेंगे। इफ फर्नेस इज प्रोवाइडेड विद इनसफिशिएंट फ्यूल, मतलब फ्यूल की मात्रा बहुत कम है, मतलब जो ईंधन है जे जो बर्न करने के लिए ईंधन उपयोग में लाया जा रहा है वो बहुत कम है, और लो टेम्परेचर पर बर्न करते हैं, तो ये व्हाइट या 4J पिग आयरन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? व्हाइट या 4J, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं चार नाम थे भाई, बेसेमर पिग आयरन, एक और सा था आपका फाउंड्री या क्या कहो ग्रे पिग आयरन, एक और सा है आपका व्हाइट या 4J, है ना, पिग आयरन, और तो नेक्स्ट क्या होता है? मोल्टेड पिग आयरन। तो ये कह रहा है कि इसको बनाने के लिए तो हाई टेम्परेचर, कैसा भाई? हाई टेम्परेचर और सफिशियंट फ्यूल, इसको लो टेम्परेचर और इनसफिशियंट फ्यूल की मात्रा चाहिए। तो जब आपने देखा था 456 में हाई टेम्परेचर सफिशियंट फ्यूल, तो आपका 456 में भी आ गया था, यहाँ लो टेम्परेचर इनसफिशियंट फ्यूल बोल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? व्हाइट या 4J पिग आयरन आपका हो जाता है। 457 में मेरा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 457 का कौन सा भी सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 458। द वैरायटी ऑफ पिग आयरन यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील बाय बेसेमर प्रोसेस, ये कह रहा है कि कौन सा द वैरायटी ऑफ पिग आयरन यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, कौन सा पिग आयरन जो है यूज करते, क्योंकि पिग आयरन तो आपका बेसिक फॉर्म हो गई थी, फिर पिग आयरन से अपन माइल्ड स्टील प्राप्त करते थे, पिग आयरन से अपन कास्ट आयरन प्राप्त करते थे, पिग आयरन से अपन क्या है रॉट आयरन प्राप्त करते थे। तो एक रहा स्टील बनाना है मेरे को, द वैरायटी ऑफ पिग आयरन यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बेसेमर प्रोसेस, तो बेसेमर प्रोसेस में कौन सा पिग आयरन चाहिए, तो बेसेमर पिग आयरन ही मेरे को चाहिए होता है। तो बेसेमर पिग आयरन से बेसेमर प्रोसेस से अपन जो है माइल्ड स्टील बनाते हैं। तो यहाँ 458 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 459। द वैरायटी ऑफ पिग आयरन यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रॉट आयरन, ये कह रहा है कि रॉट आयरन बढ़ाने के लिए कौन सा वैरायटी ऑफ पिग आयरन चाहिए, तो अपन देखा था व्हाइट जो होता है ना, व्हाइट या 4J पिग आयरन होता है, इसको बनाने के लिए मुझे जो है इसके द्वारा मैं क्या है रॉट आयरन जो है बना लेता हूं। तो रॉट आयरन बनाने के लिए क्या चाहिए मेरे को, व्हाइट या 4J पिग आयरन की जरूरत पड़ती है। यहाँ 469 में आपका सी ऑप्शन भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 460। 460 में क्या जाए, बेसेमर प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये कह रहा है बेसेमर प्रोसेस किसके लिए उपयोग में लाई जाती है, पिग आयरन कास्ट आयरन रॉट आयरन माइल्ड स्टील। तो अपन देखते हैं कि माइल्ड स्टील बनाने के लिए, मतलब माइल्ड स्टील बोल लो या केवल स्टील बोल लो, माइल्ड स्टील बनाने के लिए जो है
बेसेमर प्रोसेस उपयोग में लाई जाती है, तो माइल्ड स्टील को केवल क्या बोल सकते हैं, स्टील भी बोल सकते हैं। तो बेसेमर पिग आयरन में जो बेसेमर प्रोसेस है उसमें बेसेमर पिग आयरन को डालते हैं और उससे अपन स्टील प्रोडक्शन करते हैं, मतलब माइल्ड स्टील का प्रोडक्शन करते हैं। 460 में डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 461 461 क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ डीकार्बोनाइजिंग द पिग आयरन कंप्लीटली एंड एडिंग प्रॉपर परसेंटेज ऑफ कार्बन फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील इज कॉल्ड। देखो क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ डीकार्बोनाइजेशन ऑफ पिग आयरन कंप्लीट, मतलब वो विधि या वो तरीका जिसमें पिग आयरन में से कंप्लीटली एक बार कार्बन को हटा दिया जाता है, डीकार्बोनाइजेशन कर ली जाती है और फिर अपने तरीके से उसमें अलग से प्रॉपर अमाउंट में कार्बन ऐड किया जाता है, ये प्रोसेस कौन सी कहलाती है, तो ये कहलाती है सीमेंटेशन प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, जब अपन पिग आयरन को डालते हैं तो उसमें पहले पूरा कार्बन हटा देते हैं, डीकार्बोनाइजेशन कर लेते हैं, फिर कुछ निश्चित अमाउंट में अलग से उसमें कार्बन ऐड किया जाता है, ये प्रोसेस सीमेंटेशन प्रोसेस कहलाती है। 461 में आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 462 सॉफ्ट वैरायटी ऑफ स्टील में बी ऑप्टेन बाय, ये कह रहा है सॉफ्ट वैरायटी का स्टील किससे प्राप्त किया जाता है, सीमेंटेशन प्रोसेस, क्रूसिबल प्रोसेस, बेसेमर प्रोसेस, ओपन हेड प्रोसेस, तो कौन सी विधि से, बेसेमर प्रोसेस से किया जाता है। अब इनमें वही बात है कि समझाना है कि कुछ है नहीं, बस आपको ऑप्शन ध्यान रखने जो आपने पढ़ा हो उसके थ्रू आपको ऑप्शन, तो कौन सा, बेसेमर प्रोसेस से अपन ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 463 द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एप्लीकेबल मोर देन इन केस ऑफ, ये कह रहा है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किसके लिए वैलिड होती है, तो जो डक्टाइल मटेरियल था, जो माइल्ड स्टील था, उसमें अपन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या थी, वो लिमिट थी जहां तक स्ट्रेस डायरेक्टली स्ट्रेन के क्या था, समानुपाती था। तो ये जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है, माइल्ड स्टील के लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होती है, क्योंकि माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल था आपका, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज एप्लीकेबल फॉर माइल्ड ऑफ स्टील। तो यहां मैंने देखा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 463 में डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 464 मिनिमम इलोमिनेशन ऑफ स्टील फॉर FY 250 FY 415, तो FY 250 जो होता है इसमें इलोमिनेशन जो है वो 23% लिया जाता है, FY 415 FY 500 में जो है इलोमिनेशन वो 14.5 या कहो 15% लिया जाता है। तो अपन देखा ये सब कोड में भी माय जो स्टील IS 800-2007 पढ़ते हैं ना, IS 800-2007 जब स्टील डिजाइन ऑफ स्टील पढ़ते हैं उसमें भी ये आपके दे रखे, लेकिन चूंकि यहाँ भी चैप्टर में आपके हैं तो इसने देख सकते हो 23% और 15% या 23 या 14.5% आपका होगा। 464 में आप देखेंगे 23% और 14.5 कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 465 द स्टील यूज इन RCC, ये कह रहा है कि कौन सी स्टील जो है वो RCC में यूज करते हैं, तो माइल्ड स्टील यूज करते हैं, RCC क्या यूज करते हैं, माइल्ड स्टील यूज करते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 465 में माइल्ड स्टील हो जाएगा। माइल्ड स्टील क्या है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 466 माइल्ड स्टील इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, ये कह रहा है माइल्ड स्टील का उपयोग किस लिए करेंगे, कंप्रेसर मेंबर, कास्ट आयरन करते हैं, कटिंग टूल्स, नो ये तो आपका है ना रोल्ड स्टील सेक्शन, तो जो RSG होते हैं रोल्ड स्टील RSC बोल लो या जो RSG होते हैं रोल्ड स्टील है ना, ये इनको बढ़ाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, माइल्ड स्टील का यूज करते हैं, माइल्ड स्टील इज सुटेबल फॉर रोल्ड स्टील सेक्शन आपके। तो 466 में सी ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 467 द टाइप ऑफ स्टील यूज फॉर प्रिसीजन लेवलिंग स्टाफ, मतलब प्रिसीजन लेवलिंग स्टाफ के तो बहुत शुद्धता से जो लेवलिंग करने के लिए
प्रिसीजन से जो लेवलिंग स्टाफ से एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए कौन सा स्टेप उपयोग में लाया जाता है, तो इनवायर टेप उपयोग में लाया जाता है। इनवायर स्टील क्यों लाया जाता है, क्योंकि इसका थर्मल कोएफिशिएंट बहुत ही कम होता है भाई, थर्मल कोएफिशिएंट बहुत ही ये बहुत कम होता है, स्टील की तुलना में 1/30 होता है, तो इनवायर स्टील का यूज करते हैं। अपने सर्वे में पढ़ा था इनवायर टेप जो है कि किससे बना होता था, इनवायर को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे थे अपन, 36% आपका निकल था, 64% स्टील था आपका, है ना। तो यहां अपन देखा इनवायर का यूज करते हैं, अच्छा जो एक्यूरेट लेवलिंग के लिए कौन सी स्टील, तो इनवायर स्टील यूज करते हैं, जिसमें 64% स्टील होता है, 36% निकल होता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 468 परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील। अब माइल्ड स्टील में कितना कार्बन होता है, कार्बन लेस देन 0.25 होता है, लेस देन 0.25 होता है, माइल्ड स्टील लेस देन 0.25 होता है, रोट आयरन लेस देन 0.15 होता है, और आपका रोट आयरन जो आपका कास्ट आयरन उसमें 4% तक होता है आपका। तो इसने कहा कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट माइल्ड स्टील तो क्या होगा, लेस देन 0.25 आपका हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन है 468 में, ए इज द राइट ऑप्शन, तो 468 का ए हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 472 अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर माइल्ड स्टील। जो FE-DISOL स्टील होते हैं ना, ये तो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, इसकी FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होती है, 420 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है भाई, फेल यही मान लेते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ होती है तो इसकी, है ना, यील्ड स्ट्रेंथ है, तो FE-DISOL की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो 420 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। 479 में सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाता है भाई। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 470 गैल्वनाइजिंग मींस कवरिंग आयरन विद ए थिन कोट। तो गैल्वनाइजिंग का मतलब क्या होता है, जिंक की थिन लेयर चढ़ा दी जाती है। गैल्वनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि स्टील पे जिंक की थिन लेयर चढ़ा देते हैं, वो क्या कर काम करती है, स्टील पर जब थिन लेयर चढ़ जाती है तो वो उसे जंग रोधक बना देती है, स्टील को जल्दी से जंग नहीं लगने देती। तो यहां इसने कहा गैल्वनाइजिंग मीन क्या होता है, किसकी परत चढ़ा देते हैं, जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं स्टील के ऊपर ताकि वो उसे जंग नहीं लगने देती, यहां गैल्वनाइजिंग मतलब जिंक की लेयर चढ़ा देते। नेक्स्ट देखें तो यहां जिंक हो गया और 470 में सी हो गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 471 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्ट आयरन इज डन बाय रिमेल्टिंग ऑफ कोक एंड डाइमस्टोन विद। ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्ट आयरन, ये कह रहा है कास्ट आयरन बना इज डन बाय रिमेल्टिंग ऑफ कोक एंड लाइमस्टोन, मतलब क्या करते हैं कास्ट आयरन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कैसे रिमोल्टिंग ऑफ कोक और विद किसके साथ। तो अपन देखा कि चाहे रोट आयरन बना लो, चाहे कास्ट आयरन बना लो, चाहे माइल्ड स्टील बना लो, अपन को पिग आयरन तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन बनाना इज डन मतलब बना बाय रिमोल्टिंग, रिमोल्टिंग द कोक एंड लाइम, मतलब कोक और लाइम स्टोन के साथ वापिस पिग आयरन को क्या करते हैं, पिघलाते हैं और फिर अपन कास्ट आयरन बनाते हैं। यहां क्या होगा भाई, रिमोल्टिंग कोक एंड लाइम विद किसके साथ, पिग आयरन। तो पिग आयरन तो बेसिक है ना, चाहे कास्ट बना लो, कास्ट आयरन बना लो, चाहे माइल्ड स्टील बना लो, चाहे रोट आयरन बना लो, आपको पिग आयरन तो चाहिए चाहिएगा। पिग आयरन में थोड़े थोड़े चेंजेस करके तो अपन जो है दूसरे में चेंज करते हैं, तो 471 में बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 472 कास्ट आयरन स्टील इज मैन्युफैक्चरिंग बाय, ये कह रहा कास्ट आयरन कैसे बनाते हैं, सीमेंटेशन प्रोसेस, ये तो माइल्ड स्टील के लिए था, क्रूसिबल प्रोसेस बिल्कुल कास्ट आयरन की प्रोसेस होती है, बेसेमर ये भी माइल्ड स्टील की, ओपन हार्ट ये भी माइल्ड स्टील की, कौन सा होगा, क्रूसिबल प्रोसेस आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 472 में बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 473 में क्या कहता है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन। ये कह रहा है कि कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, हाई होती है काफी, तो 2 से 4.5% आपका, है ना, 0.7, 0.50%, 1.2 से 2 to 4.5%, है ना, 2 से 4% के आसपास लिखवा रखा आपको, तो 2 से 4.5%, तो 473 में डी ऑप्शन आपका यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 474 और 74। कंपेयर टू माइल्ड स्टील, ये कह रहा माइल्ड स्टील की तुलना में कास्ट आयरन है, ये कह रहा कास्ट आयरन में होगी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही है, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर्स के रूप में यूज लाते हैं अपन इसको, कंप्रेशन मेंबर के रूप में यूज लाते हैं अपन कास्ट आयरन को, है ना। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिल्कुल सही है, हाई टेंशन स्ट्रेंथ होगी, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लो टेंशन, तो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। कास्ट आयरन में क्या होता है, कंप्रेसिंग रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसको टेंस करेंगे तो वो टूट जाएगा, ब्रिटल मेटेरियल होता है ना, तो हाई कंप्रेसिव लो टेंसाइल। तो देख लीजिए फर्स्ट और फोर्थ यहाँ सही हो गए, फर्स्ट और फोर्थ किसमें, डी ऑप्शन में, इसलिए 474 में डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 475। कास्ट आयरन यूज फॉर, ये कह रहा कास्ट आयरन का उपयोग क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, स्ट्रक्चरल बीम, ये तो रोटा है वो करेंगे माइल्ड स्टील, स्मॉल साइज वाटर पाइप्स, इसमें रोटरीज वगैरह करेंगे, कॉलम एंड स्ट्रट, सो किसमें करते हैं मेनली कॉलम एंड स्ट्रट, क्योंकि कास्ट आयरन कंप्रेसर रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज्यादा रखता है, इसलिए इसका कॉलम और स्ट्रट में अपन यूज करते हैं। तो 475 में सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 476 फॉर हाई ग्रेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टील प्रेफर्ड बाय, ये कह रहा है कि हाई ग्रेड जो है इंस्ट्रूमेंट किसके बनाए जाते हैं, तो डेफिनेटली कास्ट आयरन के बनते हैं आपके, 476 में भी ए ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 477, बहुत पूछता है इस क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ये कह रहा है कि आयरन के सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, तो कौन सा होता है आपका, रॉट आयरन होता है आपका ना, रॉट आयरन। तो अपन देखा कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होता है, रॉट आयरन होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है आपसे, एग्जाम में पूछता रहता है 477 में, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 478, वन हैज दैट लीस्ट कार्बन कंटेंट, ये कह रहा है इनमें से सबसे कम कार्बन किसमें होगा, रॉट आयरन लेस देन 0.15 होता है, कास्ट आयरन 2 से 4.5 होता है, माइल्ड स्टील आपका जो है ये भी आपका पॉइंट पर लेस देन 0.25 होता है, और पिग आयरन इसमें लगभग 10% तक होता है, सबसे कम किसमें होता है, रॉट आयरन लेस देन 0.15%। तो यहाँ 478 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 478 का क्या है, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 479, 479, रॉट आयरन कंटेन कार्बन अप टू, ये कह रहा है कि रॉट आयरन जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा कहां तक होती है, तो लेस देन 0.5 में लेस देन 0.15 बताना था ना, तो ये कह रहा है कहां तक होती है, तो एक तरह से मैक्सिमम लिमिट 0.15% तक हो सकती है, तो ये कह रहा है कि 0.15 मतलब 0.15% तक आपकी हो जाएगी। 478 में क्या सही हो गया अभी आपका 0.15। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 480, रॉट आयरन इज यूज फॉर, ये कह रहा है रॉट आयरन का उपयोग स्ट्रक्चर स्टील बीम माइल्ड स्टील करते हैं, स्मॉल साइज वाटर पाइप्स बिल्कुल रॉट आयरन करते हैं, कॉलम एंड स्ट्रेंथ कास्ट आयरन करते हैं, और नॉन ऑफ दी, तो क्या हो जाएगा आपका स्मॉल साइज वाटर पाइप्स में इनका यूज करते हैं। तो 480 में, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चरल वर्क इन बीम, बीम वगैरह में माइल्ड स्टील, ए होता तो माइल्ड स्टील है ना, मतलब माइल्ड स्टील स्ट्रक्चर अगर पूछता तो माइल्ड स्टील आ जाता, मतलब माइल्ड स्टील किसमें करते हैं तो बीम आ जाता, स्मॉल साइज वाटर पाइप्स आपका यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। कॉलम और स्ट्रट में क्या होता है, कास्ट आयरन होता है, यहाँ 480 में बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, कौन सा करेक्ट है, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 481, 481, यहाँ कुछ दे रखे हैं पिग आयरन कास्ट आयरन रॉड, इनका मैच कराना है ए बी सी डी। देखिए पिग आयरन किससे बढ़ाते हैं अपन, अपन किससे बढ़ाते हैं, फर्नेस इलेक्ट्रिक, ये कह रहा है एल डी प्रोसेस हो गया, रिवर ट्रिप हो गया, कुबला हो गया, तो अपन देखा वैसे तो अपन देख रहा था ब्लास्ट फर्नेस था, लेकिन ब्लास्ट फर्नेस के अलावा ये इलेक्ट्रिक रिडक्शन फर्नेस वगैरह भी यूज करते थे, लेकिन लाइट चाहिए थे इसलिए कम जो है यूज करते हैं, 4 हो गया,
कास्ट आयरन के लिए कुपला फर्नेस होती है, तीन हो गया। रॉट आयरन के लिए क्या होती है आपका, एलडी प्रोसेस होती है, इसलिए दो हो गया। और स्टील के लिए आपका क्या हो जाएगा, जो है रिवर्टली जो है स्टील बनाने के लिए आपका सॉरी जो रॉट आयरन उसके लिए रिवर्टी फर्नेस हो जाती है और इसके लिए एलडी फर्नेस हो गया। चार तीन दो एक आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है। चार तीन दो एक देखिए कौन से में, सी ऑप्शन में दे रखा है, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 400। तो 482 में आपसे क्या कहता है, द स्टील यूज फॉर रेल अंडर हैवी ट्रैफिक एंड ऑन शार्प कर्व, क्या कहा है इसने, द स्टील यूज फॉर रेल, ठीक है ना, स्टील जिसका उपयोग रेल्स में, रेल्स का मतलब क्या है, जो पटरियां होती है, रेल की जो पटरियां होती है, अंडर हैवी ट्रैफिक मतलब उसके ऊपर हैवी ट्रैफिक है, और शार्प कर्व घुमावदार कर्व है जहां पर आपके उसकी घिसने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। कौन सा स्टील उपयोग में करते हैं, निकेल स्टील, क्रोम स्टील, मैग्नीज स्टील, तो कौन सा, मैग्नीज स्टील का उपयोग करते हैं। 482 में सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 483। नियोप्रिन इज सुटेबल फॉर यूज इन, देखो नियोप्रिन क्या होता है, सिंथेटिक रबर होती है, एक स्मूथ सरफेस के तो बियरिंग जो ब्रिज है उनमें बियरिंग सरफेस पर इन्हें क्या करते थे, लगाते थे ताकि आने वाला जो लोड है वो यूनिफॉर्मली ट्रांसफर हो सके। तो जो नियोप्रिन है, जो सिंथेटिक रबर्स जो है स्मूथ सरफेस प्रदान करने के लिए बियरिंग ऑफ ब्रिज में इसका उपयोग करते हैं। यहाँ बियरिंग ऑफ ब्रिज हार्ड ड्यूटी रबर, हार्ड ड्यूटी नहीं होती है ना जो, तो बियरिंग ऑफ ब्रिज में इसका उपयोग करते हैं, मतलब एक तरह से बियरिंग वाले एरिया पर जहां लोड को ट्रांसफर किया जाता है, यूनिफॉर्म लोड ट्रांसफर करने के लिए बियरिंग ऑफ ब्रिज में इसका उपयोग किया जाता है। तो 483 का आपका क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 483 में ए राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 484। द रेशो ऑफ द थिकनेस ऑफ वेव टू फ्लैंक ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बीम एंड चैनल्स इज, देखो ये कह रहा है कि रेशो बताएं, रेशो ऑफ फ्लैंक एंड वेव बीम में। अब बीम क्या होता है, बीम एक ऐसा मेंबर होता है, एक तरह से बीम जो है मेनली मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए वो उपयोग में लाया जाता है, मूवमेंट जो है फ्लैंज के द्वारा एडजस्ट की जाती है। तो हमेशा आप देखेंगे फ्लैंज की थिकनेस ज्यादा रहती है और वेव की थिकनेस क्या रहती है, कम रहती है। लेकिन यहाँ रेशो किसका पूछा है आपसे, रेशो पूछा है आपसे, रेशो ऑफ द थिकनेस ऑफ वेव, वेव टू फ्लैंज पूछा है, क्योंकि ये तो मोर रहती है और ये लेस रहती है अभी तक। तो रेशो मुझे पूछा है, उल्टा पूछा है वेव टू फ्लैंज, तो थिकनेस रेशो पूछा है। अब थिकनेस इस ये वाली ज्यादा होती है, तो एक तरह से ये लेस, ये थिकनेस कम होती है और ये मोर होती है। तो जब आप मान लो, हो सकता है ये 8 mm हो, ये 10 mm, तो 8 में 10 का भाग नहीं, हो सकता है 10 हो, ये 15 हो, 10 में, तो ये आंसर हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1 आता है। क्योंकि कोई भी बीम जो है, बीम मेनली फ्लेक्सुरल मेंबर होती है, मूवमेंट के लिए डिजाइन की जाती है, इसलिए फ्लैंज की थिकनेस ज्यादा होती है, वेव की थिकनेस कम होती है। रेशो पूछा है वेव टू फ्लैंज, एक तरह से वेव का नीचे वाली वैल्यू हायर होती है, इसलिए हमेशा रेशो लेस देन 1, एक से कम प्राप्त होता है। तो लेस देन 1 हो जाएगा भाई यहाँ 484 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 485। 485 में क्या कहता है, 485 में, 485 देखिए भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कराया कि नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए, एक्सेस ऑफ सल्फर इज रिजल्टिंग, ये कह रहा है सल्फर की मात्रा ज्यादा है, गंधक ज्यादा है, रेड शॉर्टनेस, तो रेड रेड निशान उसमें, रेड स्पॉट्स नजर आ जाते हैं, पहला सही है, सेग्रीगेशन गलत है, कोल्ड शॉर्टनेस गलत है, और रेड शॉर्टनेस मतलब रेड इस धब्बे आपके दिखाई देने लग जाते हैं, सल्फर गंधक की मात्रा ज्यादा है स्टील में। तो यहाँ 485 में रेड शॉर्टनेस फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट किसमें, ए ऑप्शन में आपका यहाँ पर दे रखा है, 485 का ए हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 486। ब्रिटलनेस ऑफ कोल्ड इज ड्यू टू ऑफ एक्सेस ऑफ,
ये कह रहा है ब्रिटलनेस ऑफ कोल्ड जो है आपका ये किसके कारण है, ये भी सल्फर के कारण आपका ज्यादा होता है। तो अगेन जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 487, स्टेनलेस स्टील कंटेंट। ये कह रहा है स्टेनलेस स्टील होती है 18% क्रोम होता है, 8% क्या होता है आपका निकेल होता है। इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्रोम की मात्रा 18% होती है, निकेल की कितनी होती है 8% आपकी होती है। तो यहां मैं देखूंगा 487 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 488 मैच करा रहा है वही ए बी सी। देखिए स्टील बार, स्टील बार किसके लिए, स्टील बार जो रिइंफोर्समेंट है इनका अपन किसमें यूज करते हैं भाई, अपन स्टील बार का रिइंफोर्समेंट के रूप में यूज करते हैं। मुझे पता है मैं जानता हूं, तो स्टील बार 3 नंबर आ जाएगा रिइंफोर्समेंट में। जिंक किसमें यूज करते हैं, यहां देखा वाटर टैप्स, ये कह रहा है एल्यूमिनियम, ये कह रहा है कोरोगेटेड शीट। तो जिंक में अपन कोरोगेटेड शीट पे तो एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं ताकि वो जंग ना लगे। तो यहाँ जिंक चार, बी के नीचे 4 आ जाएगा, सी और डी। सी क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के तो क्या होते हैं ये डोर फ्रेम होते हैं, 2 हो गए। और डी ब्रास कोटिंग, ब्रास कोटिंग क्या वाटर टैप्स पे कर देते हैं। 4-3-2-1 हो गया आपका, 4-3-2-1। देखिए कौन सा ऑप्शन हो गया, वेयर डी इज द राइट ऑप्शन, यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा भाई, 488 में डी हो गया। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 489, 489 मैच डक्ट, ये कह रहा है मैच करें लिस्ट और फर्स्ट डक्टिलिटी ब्रिटलनेस टेंसिटी टफनेस। देखिए डक्टिलिटी क्या है, एबीसीडी डक्टिलिटी ना, देखिए फेलियर विदाउट वार्निंग ये तो ब्रिटलनेस होता है, अगर मैं देखूं तो बी के नीचे तो 1 हो जाएगा भी। डक्टिलिटी क्या है, ड्रॉन परमानेंटली ग्रेट चेन विदाउट रप्चर ऑफ शेप, अपन देखा बिना ड्रॉन परमानेंटली और ग्रेट चेंज ओवर शेप विदाउट रप्चर। तो डक्टिलिटी ये तो था 3 वायर के रूप में परिवर्तित कर लेना, तो 2 वाला सही हो गया, बी के नीचे होगा। टेंसिटी टेंशन को रजिस्टर, हाई टेंशन जो है टेंशन रजिस्टर कर ले, सी के नीचे 4 हो गए, इसमें ऑटोमेटिक 2-1-4-3 हो जाएगा। 2-1-4-3 किसमें, डी ऑप्शन में है, इसलिए मैं कहूंगा कि 489 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 489 के डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 490 मैच करा रहा है मैच लिस्ट विद सेकेंड एप्लीकेशन करेक्टरिस्टिक्स एंड स्टिल करेक्ट यूजिंग, तो वही एबीसीडी क्या क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम कॉपर जिंक और लेड दे रखे हैं आपके, है ना। तो ये कह रहा है एल्यूमिनियम अलॉय का उपयोग इसलिए करते हैं, बिल्डिंग फ्लैशिंग रेडिएटिंग लाइटिंग लो डेंसिटी हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, बिल्कुल सही है आपका, एल्यूमिनियम अलॉय लो डेंसिटी होते हैं, डेंसिटी कम होते हैं, कोरोजन को जंग नहीं लगता। आपने देखा होगा जैसे जो एटमोस्फियर जहां बाहरी वो होते हैं वहां एल्यूमिनियम को लगा देते क्योंकि जंग हो गया, तो यहाँ 4 हो गया भाई। नेक्स्ट कॉपर, ये कह रहा है बिल्डिंग प्लस रेडिएशन लाइटिंग कंडक्टर, लाइटर कंडक्टर के रूप में कॉपर क्यों लगती है, बिल्कुल सही 3। नेक्स्ट जिंक, जिंक किसके लिए होगा आपका, जिंक किसके लिए होगा, फर्स्ट रेडिएशन सेटिंग रेडिएशन शीट, बिल्कुल 2 सही हो गया। और नेक्स्ट जो है आपका लेड किसके लिए जाएगा, बिल्डिंग फ्लैशिंग ऑफ द डैम प्रूफ कोर्सेट, तो डीपीसी कोर्स के लिए। तो 4-3-2-1 यहाँ राइट हो जाएगा, 490 में बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 491, इस तरह के क्वेश्चन आपके नहीं आते, बहुत कम आते हैं, इस तरह के इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो आपके। इनलास्टिक मटेरियल, रिजिड मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, देखिए एबीसीडी मैच करा रहा है, मैच करके देखिए, ये कहता है इनलास्टिक मटेरियल क्या होंगे जिनमें इलास्टिसिटी स्ट्रेन इज नॉट रिकॉर्ड आफ्टर, तो इनइलास्टिक तो हो गए जिन इलास्टिसिटी क्या थी, लोड लगाओ डिफॉर्म हो जाए लोड हटाओ, ये स्ट्रेन रिकवर नहीं होगा, तो 3 नंबर हो गया। फिर बोल रहा है रिजिड प्लास्टिक मटेरियल, ये कह रहा है तो स्ट्रेन 0 मतलब रिजिड प्लास्टिक है आपका, तो अपन देखा बिल्कुल उसमें कुछ आएगा ही नहीं आपको, बी के नीचे 4 हो गया। डक्टाइल मटेरियल लार्ज प्लास्टिसिटी होगी, 2 हो गया। और जो है ब्रिटल नो प्लास्टिक जोन आपका डी में 1 हो गया, 3-4
दो एक आपका हो गया, तीन चार दो एक किसमें, ए ऑप्शन में है, इसलिए आपने देखा 491 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 492, 492 देखिए, फटिक स्ट्रेंथ क्रीम प्लास्टिसिटी एंडोरेंस लिमिट ए बी सी डी। फटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, लोडिंग रिसाइक्लिंग लोडिंग लगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ से पहले फेल हो जाए। देखिए क्या होगा, मेटल कंटेंट डिफॉर्म विद टाइम अंडर सेशन नो डिक्रीजिंग मेटल, तो रिपीटेड स्ट्रेस बिल्कुल दो सही हो गया, रिपीटेड स्ट्रेस मतलब रिसाइक्लिंग लोड लगा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए। बी क्रीप, क्रीप क्या था आपका सस्टेन लोडिंग के कारण आ रहा था, तो ये एक हो गया। प्लास्टिसिटी मैं देख रहा हूं मेटेरियल कंटिन्यूस डिफॉर्म विदाउट रप्चर ऑफ एनी इंट्रिंसिक, तो यहां चार हो जाएगा, इसके छोटा में लीजिए दो एक चार तीन देख लो, तो दो एक चार तीन किसमें आपका ए ऑप्शन में है, तो 492 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, अब नेक्स्ट चैप्टर है इसमें पेट और क्वेश्चन नंबर है 493, और अब नेक्स्ट यूनिट चालू होगी भी क्वेश्चन नंबर 493 क्या कहता है देखो, द मेटलिक ऑक्साइड यूज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर इन ए पेंट, मतलब जो मेटल ऑक्साइड है वो पेंट में उपयोग में लाया जाता, अपन तीन चार चीज यूज लाए थे, बेस लाए थे, फिलर एक्सटेंडर था, थिनर था आपका, तो जो मेटलिक ऑक्साइड था वो क्या कहलाता था, बेस कहलाता था एक तरह से, जो उस सरफेस पर मेनली चिपकने का काम करता था, तो मेटलिक ऑक्साइड यूज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, पाउडर फॉर्म में इसका यूज करते हैं, तो बेस कहलाता है। 493 में बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा भी, है ना, 493 का बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 494, द इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट विच गिव इट द बाइंडिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम द ऑपेसिटी कोटिंग, ये कह रहा है कि कौन सा अवयव है पेंट का जो उसे बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है, तो डेफिनेटली बेस ही है, बेस ही तो चिपकता है सरफेस के ऊपर, ये थिनर वगैरह सारे उठ जाते हैं, तो आगे 494 में आपका बेस ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 495, द फंक्शन ऑफ बेस इन ए ऑयल पेंट, ये कह रहा है कि ऑयल पेंट में बेस का फंक्शन बताओ, इट मेक्स द फिल ऑफ पेंट हार्ड ड्यूरेबल एंड मोर रेजिस्टेंट टू एब्रेशन, क्या होता है सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, तो डेफिनेटली एक सरफेस बनाता है जो ड्यूरेबल होगी, मोर रेजिस्टेंट टू एब्रेशन, जो एब्रेशन को रेजिस्ट करने की क्षमता रखते हैं, ये बेस का फंक्शन हो गया है ना, लाइक क्यों भी बोल इट गेट ऑक्सीडेशन होता तो उठ जाता हो, तो इट प्रोवाइड ग्लोसी चमकदार बना दो, इट मेक ए फिल्म तो पेंट हार्ड, मतलब एक हार्ड फिल्म बनाता है, ड्यूरेबल फिल्म बनाता है, ये आपका मेन इसका फंक्शन होना चाहिए, तो 495 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर 496, द कॉमन बेस फॉर अप्लाइंग पेंट ऑन वुड, वुड सरफेस पर जो लकड़ी की सरफेस है इन पर कौन सा बेस उपयोग में लाते हैं, तो व्हाइट लाते हैं, बट व्हाइट लेड, और अगर आपका जो है लोहे की होती है रेड लेड लाते हैं, तो मेनली कौन सा लाते हैं, व्हाइट लेड जो है उपयोग में लाते हैं टिम्बर की सरफेस पर, और अगर आपका आयरन सरफेस होती तो रेड लेड का उपयोग करते। कई बार क्वेश्चन पूछता है टिम्बर की सरफेस पर कौन सा उपयोग में लाते हैं, तो व्हाइट लेड आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 497, जस्ट अगला क्वेश्चन है, द कॉमन बेस फॉर पेंटिंग ऑन आयरन एंड स्टील, अभी अगर आप स्टील सरफेस पर कौन सा लाएंगे, तो डेफिनेटली कौन सा लाते, रेड लेड का उपयोग करते हैं, तो टिम्बर पर व्हाइट लेड और स्टील पर रेड लेड का उपयोग करते हैं, तो 497 में आपका बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 498, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग कोट, ये कह रहा रस्टिंग जंग जो होता है उसको कैसे रोक सकते हैं, तो डेफिनेटली जो रेड लेड था इसकी जंगरोधक क्षमता थी, इसलिए रेड लेड का उपयोग करते हैं अपन पेंट के उसमें, टिम्बर में क्या जंग लगता नहीं है तो व्हाइट लेड यूज करते हैं, तो यहाँ रेड लेड अपन यूज करेंगे। 498 में ए ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 499,
एक्सटेंडर आर यू एडेड इन पेंट बॉडी, ये कह रहा है पेंट में एक्सटेंडर का उपयोग क्यों करते हैं, नाम से पता लगता है फिलर या एक्सटेंडर, उसके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, कोस्ट को कम करने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कोस्ट कम करने के लिए एक्सटेंडर यूज करते हैं। गिव कलर पिगमेंट होता है, एक्सेल प्रोसेस ड्राइंग ये ड्रायर होता है, रिड्यूस द विस्कोसिटी ये थिनर होता है, इंक्रीज द वॉल्यूम, इंक्रीज द वॉल्यूम एंड रिड्यूस द कोस्ट, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कोस्ट को कम करने के लिए एक्सटेंडर्स का यूज करते हैं। 499 में डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 500। द मेटेरियल जनरली नॉट यूज फॉर एक्सटेंडिंग पेंट, ये कराएगी कौन सा मेटेरियल है जो पेंट में अपन यूज नहीं करते एक्सटेंडर के रूप में, पाउडर सिलिका करते हैं, जिप्सम करते हैं, टॉप करते हैं, जिंक वाइट, जिंक वाइट का यूज नहीं करते हैं। तो यहां 500 में मेरा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में अपन ने 500 तक क्वेश्चन कर लिए भाई, इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।